की टेबल के अंदर मेरे पास ये सैलरी के रिकॉर्ड्स मौजूद थे, ठीक है। अगर आपने ये डेटाबेस घर पे लेके जाना है, बना बनाया लेके घर पे जाना है, तो देखो आप क्यूरी से भी लेके जा सकते हो, यानी जो हमने क्यूरी यहाँ पे सेव करी थी ये वाली, आप ये क्यूरी सेव कर लो और घर जाके इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। यानी आप घर जाओगे और आपके पास जो है यहाँ पर होम पर एसक्यूएल आ रहा होगा, यहाँ पर आपने अपनी क्यूरी पेस्ट कर देनी है और गो कर देना है, तो आपके पास सारे टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट सब हो जाएगा। दूसरा पैटर्न आपके पास ये है कि आप यहाँ पर होम पर आकर अपना डेटाबेस सेलेक्ट करो और डेटाबेस सेलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर दो। क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दूंगी मैं, और मैंने यहाँ इसको कर दिया एक्सपोर्ट। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया मेरे पास ये डाउनलोड हो गई, शो इन फोल्डर में आई, और मैंने यहाँ पर इसको ओपन करना है ओपन विद नोटपैड। तो ये आपके पास क्यूरी लिखी हुई आ रही है आपको नजर? ठीक है, अच्छा। इसको करना क्या होता है, जब मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट, तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट करूंगी, और इंपोर्ट कर फाइल को चूज करूंगी। चूज कर मैंने ऐसे डाउनलोड्स में ये इसको सेलेक्ट किया, ओपन करा, और इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया, तो डेटाबेस मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब हमें जो है वो किसमें इंसर्ट कराना है, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर प्रोजेक्ट इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एपटेक को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं जब एसक्यूएल पे आती हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम लिखा हुआ आएगा कि मेरे पास सिलेक्ट हुआ है या नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ। बात समझ में आ रही है? अब मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, किसके अंदर इंसर्ट कराना है, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट टेबल वैल्यूज, ठीक है। प्रोजेक्ट टेबल की मैं आपको यहाँ पर वो दिखा दे रही हूँ, दूसरे टैब के ऊपर आईडी है, नेम है, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मैंने यहाँ पर क्यूरी खोल देगा यहाँ पे, यहाँ पर मैंने 0 लिखा कॉमा, प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये सारे मेरे पास क्या है, वारचार है। अगर आप इसको एक्सपैंड भी करके देखो तो यहाँ पे आपके पास बताया हुआ होता है वारचार वारचार वारचार, ठीक है। प्रोजेक्ट नाम, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ लिखा, लेट सपोज दराज वेब ऐप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है पीएचपी वेबसाइट है, मैनेज द ऑल प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड्स, या मैनेज कर दो मैनेज द वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। ड्यूरेशन है इसका हमारे पास के भाई ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को बनाना है, या ड्यूरेशन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है 1 ईयर। कितना दिया हुआ है? 1 ईयर का प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारा साल के साल क्या होता है, रिन्यू होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी है, कॉमा लगाया, एंटर करा, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो हम एक साथ ही दे देंगे, समझ में आ रही है बात? अब मैंने यहां पे बताया ऑनलाइन मेडिसिन
ठीक है, पीएचपी वेबसाइट है। हाँ क्रिएट पीएचपी वेबसाइट एंड इट्स एडमिन पैनल। ड्यूरेशन उन्होंने मुझे दिया है 6 मंथ में। कितने मंथ में बनाना है आपने? 6 मंथ में बनाना है। ठीक है, इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हो, बारी बारी बता सकते हो। एक है स्क्रैप कलेक्टर और ये मेरे पास जो है वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है और इसके लिए उन्होंने 1 ईयर दिया है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड पीएचपी एडमिन पैनल। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? एंड्रॉइड एप्लीकेशन है और इसका जो एडमिन पैनल कौन सा है वो पीएचपी के ऊपर है और दिया गया है 1 ईयर। ठीक है, इसके बाद अगेन आप यहां पे आ जाओ। ठीक है, इवेंट रिमाइंडर है और ये सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन और इसके लिए आपको दिया है 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद आपने इसको कर दिया यहाँ पे गो, तो मेरे पास ठीक है ये क्यूरी बॉक्स है। ये इसने मुझे कह दिया कि यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्लिक भी करूंगी तो भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल लग जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो भी हमारा आगे का रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर रही हूँ ताकि इसी के अंदर जो है वो मेरा बाकी का काम एक ही सीक्वेंस में रहे। ठीक है, नजर आया ये रिकॉर्ड मेंटेन होते हुए, करो इसे। यहाँ पर अब मैंने आपको एक दिखाया था नॉर्मलाइजेशन पे मैंने काम करवाया था, सही है, जिसमें मैंने ये कहा था एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और सैलरी का टेबल हम बना चुके हैं। अब हमारे पास ये वाला टेबल है जिसमें हम एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी है क्या, ठीक है, और किस एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी होगी हमें वो डिफाइन करना है। तो हमारे पास अभी जो एम्प्लॉय मौजूद है वो कितने एम्प्लॉय हैं? 2 एम्प्लॉय मौजूद हैं। इनको मैंने असाइन करना है सैलरी, असाइन करनी, जैसे मैंने जब हायर किया तो कोई ना कोई सैलरी भी आपने रखी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपटेक को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, एसक्यूएल पे आई और यहाँ मैंने आप क्यूरी लिखना शुरू करा। मैंने कहा क्रिएट टेबल बनाना है मुझे, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी का, किसका? एम्प्लॉय सैलरी का, राउंड ब्रैकेट एंड टर्मिनेटर। अब इसके अंदर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक आईडी है जो कि इंटीजर है, प्राइमरी की है, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये सिर्फ डमी आईडी है, इससे हमें कुछ गेट वेट नहीं करना। इसके बाद मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी के टेबल से उसका ग्रेड आना चाहिए, सैलरी ग्रेड। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे काम क्या करा कि भाई सैलरी के टेबल में मेरे पास कॉलम था सैलरी ग्रेड और एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास है उसकी आईडी, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कि मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो टाइप क्या होगी, इंटीजर। एम्प्लॉय आईडी किस में सेव हुआ है? इंटीजर में। तो यहाँ पे भी मैं क्या रखूंगी? इंटीजर। इसके साथ मैंने यहाँ पे कहा सैलरी या जो भी इसका ग्रेड है, ग्रेड हमने किस में किया हुआ है? वारचार में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से ये देख लिया है कि यहाँ पे जो ग्रेड है वो किसका है? वारचार।
स्टार है और इसकी लेंथ 50 है। समझ में आ गई? ये दोनों डेटा कहां से आना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय के टेबल से, सैलरी के टेबल से ग्रेड आना चाहिए। तो मैं यहां पे अब मेंशन करना शुरू करूंगी। फॉरेन की, फॉरेन की ठीक है, मुझे किसको बनाना है? एम्प्लॉय आईडी, यानी इस टेबल का जो भी कॉलम है ना वो, उसका नाम लिखा रेफरेंसेस। ठीक है, किस टेबल से मुझे लेके आना है इसे? एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है, कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय आईडी, यहां कॉलम का नाम जरा देख लेना अच्छे से, ठीक है, ईएमपी आईडी। एक फॉरेन की ये हो गई, दूसरी फॉरेन की हमारे पास है ग्रेड, जो कि यहां आ जाएगा, और ये मेरे पास है सैलरी टेबल, सैलरी टेबल, और इसका जो कॉलम है उसका नाम है सैलरी ग्रेड। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगी सैलरी, इस तरह भी लिख सकते हो, सैलरी टेबल डॉट सैलरी ग्रेड, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटो आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं ये लिखूं एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय आईडी, ऐसे लिख लो, इससे ये होगा, ये कॉलम का नाम तुम लिख लोगे वरना टाइप करना पड़ेगा। ये टेबल बन गया, इसमें मेरे पास ये दो फॉरेन कीज बन गए। समझ में आई बात? इस कॉलम को मैंने लिंक करा एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय आईडी से, और इसको करा है सैलरी के टेबल से सैलरी ग्रेड से। ठीक है, इसको मैंने करा गो। अच्छा, ये कह रहा है मैनुअल डेस्क कॉरेस्पॉन्डिंग द मारियाडीबी सर्वर वर्जन राइट सिंटैक्स नियर यूज रेफरेंसेस। अच्छा, वो ही रेफरेंसेस की बात वो कह रहे हैं, उस तरह ना। ब्रैकेट में करा तो ये चल रहा है, विदाउट ब्रैकेट वो उस चीज को सपोज नहीं कर रहा कि वो क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई। तो जो इस के कॉलम नेम थे उनको मैंने क्या करा है, ब्रैकेट में डाल दिया। सही है, तो ये ब्रैकेट्स में आ गए, ये ब्रैकेट्स में आ गए, मेरे पास टेबल बन गया एम्प्लॉय सैलरी का। एम्प्लॉय सैलरी के कॉलम्स को अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आ रहा है एम्प्लॉय आईडी आईडी। ठीक है, और इसके इंडेक्सेस में अगर मैं आती हूँ तो मेरे पास ये आ रहा होगा एम्प्लॉय आईडी ग्रेड। ये सब क्या है, इसके इंडेक्सेस है, यानी फॉरेन की के तौर पे यूज किए हुए। ठीक है, इसे करो, देखो आप पीएनसी पे जितने निकम्मे लड़के हैं। यहाँ मैंने लिखा इंसर्ट, किसी भी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू लिखा, टेबल का नाम लिखा। ठीक है, जो भी आपके पास ईएमपी, जो भी है हमारे पास है ईएमपी, लेट्स सपोज मेरे पास है सैलरी। ठीक है, इसकी वैल्यूज मुझे देनी है। ठीक है, तो वैल्यूज मैं यहाँ पे क्या दूं? ठीक है, पहला जीरो आएगा क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीजर में, एम्प्लॉय आईडी वही डालेगी जो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है। अगर मैंने यहाँ अपने पास से आईडी दी तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। अभी मैं अपने पास से देके एरर दिखा रही हूँ। और ग्रेड मैंने दिया हुआ है यहाँ पे ए, क्योंकि वार्ड जा रहा है तो सिंगल कोटेशन में आएगा। बात समझ में आ रही है? इस वाले को मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी इसका रिकॉर्ड जब मैं इंसर्ट करूंगी 101 नहीं है मेरे पास, एरर पढ़ो क्या आ रहा है। ठीक है, एरर कैन नॉट ऐड और अपडेट द चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल एप्टेक एम्प्लॉय सैलरी कंस्ट्रेंट
फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी रेफरेंस टेबल से मैच नहीं कर रहा, सही है। अब मेरे पास यहाँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी गिवन है 1 और 2, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, 1 या 2 डालूंगी। मैंने 1 डाला, इसी तरह कॉमा लगाया दूसरी बनाने के लिए, मैंने 0, 2 कॉमा, इसका ग्रेड भी मैंने यहाँ पे क्या रखा है, बी। दो रिकॉर्ड हो गए मेरे पास, गो इनसाइड हो गया मेरे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास, वाओ क्या ये तो हमारे पास हो गया कि हमने जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो ये बना लिया। अब हमारे पास है कि हमने एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट भी असाइन करना है, क्या करना है, प्रोजेक्ट असाइन करना है। तो इसके लिए मैं हमारे पास जो टेबल बनेगा वो सेम उसी पैटर्न में बनेगा जिस पैटर्न में मैंने डिफाइन किया है। जैसे आपका एक क्रिएट एम्प्लॉय टेबल है, सेम इसी तरीके से आप यहां पे करोगे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, ठीक है। आईडी रहेगी, एम्प्लॉय आईडी रहेगी पहली, और दूसरा मेरे पास रहेगा प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। और ये मेरे पास किस में आ जाएगा, इंटीजर में, किस में आएगा, इंटीजर में। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम मेरा कौन सा है, ठीक है, और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट टेबल, और प्रोजेक्ट टेबल की आपके पास है, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी, ये पूरी लिखी हुई है प्रोजेक्ट आईडी। और इसी तरह जब इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी तो मैं यही लिखूंगी, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 001 और 2, एम्प्लॉय की बात हो रही है और प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास क्या है, 1 है, और ये वाला भी मेरे पास क्या है, 1, यानी जो प्रोजेक्ट आईडी है वो प्रोजेक्ट के टेबल से आप यहाँ से देख सकते हो। एक को 1 दे रही हूँ मैं, एक को 4 दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी गो, और गो करने के बाद मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो किस टेबल में आ चुका है, जो मेरा नया टेबल है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, उसके अंदर मेरे पास ये रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। मॉड्यूलर लगाना है जावास्क्रिप्ट का, नेक्स्ट पे लगेगा या अगले लगा दें, अब तो वैसे ही आज चलते हुए भी लगेगा, नेक्स्ट वीक में देना या नवंबर में देना, और जावास्क्रिप्ट का नवंबर में देना है या अभी देना है ये बता दो, कंबल पे लेट के देना है, कंबल में देना है, यहाँ पर देखो मेरे पास सारे टेबल हो चुके हैं, सारे टेबल मेरे पास यहाँ पे बन चुके हैं आप टिक के अंदर, और
हर टेबल का मेरे पास, जो मेरे पास यहाँ पर डिफाइन था कि मैंने सारे टेबल्स बना लिए हैं और ये वाले सारे जॉइंट्स ये सब कर दिए मैंने, ठीक है। यानी मेरे पास 1 2 3 4 5 टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखो तो 1 2 3 4 5 टेबल हमने बना लिए। ऐप टैब पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ साइड में मोर नजर आ रहा है, मोर पे जाओगे, डिजाइनर पे जाओगे, कहाँ जाओगे, डिजाइनर पे जाओगे, तो आपको यहाँ कुछ टेबल्स बने हुए भी नजर आएंगे और आपस में जुड़े हुए भी नजर आएंगे। आ रहे नजर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि एम्प्लॉय टेबल की जो एम्प्लॉय आईडी है वो दो टेबल में जा रही है, ठीक है, एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में और एक एम्प्लॉय सैलरी में। सैलरी के टेबल से कहाँ जा रही है, ग्रेड कहाँ जा रहा है, एम्प्लॉय सैलरी में जा रहा है। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट टेबल की प्रोजेक्ट आईडी कहाँ जा रही है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में जा रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा इस टेबल से इसमें जा रही है या उस टेबल से उसमें जा रही है, ठीक है। ये जो आपके पास मौजूद है ना, ये जो बहुत कलर में जो बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। दूसरी चीज ये कि इधर वो प्राइमरी की होगी और इधर वो प्राइमरी की नहीं होगी, वो हैश में नजर आ रहा होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। इधर ये हैश में मौजूद है, इधर ये प्राइमरी की में है और यहाँ पे ये हैश नहीं है, नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, तो ये एक नोट टाइप का दिया हुआ है, सही है। ये आपकी कहलाती है ER डायग्राम, क्या कहलाती है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं जी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, ERD डायग्राम कहलाती है, बात समझ गए, क्या समझे। या अल्लाह, लकीर के फकीर ही रहना, ये समझे रिलेशनशिप, ये नहीं पता कि डायग्राम क्या है। मैं डायग्राम का नाम बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप में अटके हुए। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन।